हेलो फ्रेंड्स, हेयर वंस अगेन वेलकम इन योर ऑन चैनल सिवरेल आर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा सर्वे किया जा रहा है, बेस लाइन टेस्ट लिया जा रहा है सभी बच्चों 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए कि किसका कैसा स्तर रहा लॉकडाउन के बाद, किसने कितनी पढ़ाई की। तो यहाँ पे 2021 का अगस्त का है। यहाँ पे कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चंस, 60 मिनट आपको मिलेंगे वन आवर। एंड यहाँ पे आपको कुछ अपनी जानकारी फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, फिर स्कूल का नाम, छात्र का नाम, छात्रा का नाम, और दिनांक यहाँ पे, और प्राप्तांक आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं, सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जैसा कि आपको सभी पता होगा कि एमसीक्यू होंगे और वन मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एंड वन यानी पार्ट वन में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 9th के लेवल होंगे, है ना, और क्लास 10th के पार्ट टू में होंगे, पार्ट बी में होंगे। जो विद्यार्थी 8 नंबर किसी भी एक पे पाएगा और 8 किसी दूसरे पे, तो उसका दोनों पार्ट का 16 मार्क्स अगर है तो उत्तीर्ण माना जाएगा। इनमें से आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन है, ये भी आपको लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा बताना है। व्हाट्सएप है, टीवी कोई भी नहीं है। पार्ट ए में चलिए देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका, फुल सॉल्यूशन जल्दी से 40 क्वेश्चन का देखते हैं, क्या आपने सही किए हैं और क्या आप सोच रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन होगा इन क्वेश्चंस का देखेंगे। ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, तो व्हेन यू आर कीप्ड अ पॉट क्ले पॉट इन समर वेकेशन वाटर इन देयर इन विच रीजन द वाटर आर कूल्ड, सो यह किसके कारण होता है, तो वाष्पन के कारण, यानी कि आप जानते होंगे ये वाष्पन ट्रांसपीरेशन सारी से कहते हैं, उसके द्वारा होता है। प्रश्न 2, कुछ पदार्थों को उनके कणों में कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है, तो इसकी जो व्यवस्था होगी वह नमक रसा और यहाँ पे वायु होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे। अब मैं अगर आपको समझाऊंगा कैसे होगा क्यों होगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना समय है नहीं अपने पास अब, तो इसलिए मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल में नमक मिलाना, तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, जल के तापमान में कमी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो सी नंबर सही होगा इसका, सी नंबर क्वेश्चन सही है, ठीक है। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको आपको पता होगा क्या कहते हैं, विन ऑन आयरन आर्टिकल्स क्रोड्स, तो अब मैं आंसर ही बता दिया, और एक यह केमिकल रिएक्शन है, तो इंग्लिश वालों को पता ही चल गया होगा इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर इसका सही उत्तर है। 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रकृति के हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बर्फ। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, तो लौ धातु का पिघलना, लौ में जंग लगना, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, लौ छड़ को मोड़ना। एक फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम नेक्स्ट पेज पे 8 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं, तो लकड़ी का दहन बी नंबर सही उत्तर होगा इसका। अब बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो जल के 1.24 यानी कि 2044 × 10^25 10^25 अणु, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
तो ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक इसका N2 सही उत्तर होगा, N2, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन था N पे और उन्होंने मेरे को यहाँ पे कमेंट भी किया था, तो इसका क्योंकि गैस है इसलिए N2 होगा। अब सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होगा, आप सभी को मालूम होगा Na, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, क्योंकि Mg 12 नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो एटॉमिक नंबर 12 इसमें किस में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, तो बी नंबर में आ रहा है। अब रदरफोर्ड की अल्फा किरण जो होती हैं, कण होते हैं, प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था, तो परमाणु में नाभिक का है ना, एटम्स में उसके न्यूक्लियस की खोज की गई थी रदरफोर्ड द्वारा, तो इसका सी नंबर सही उत्तर होगा। 15 नंबर में एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है, तो ए नंबर 31x15 इसका सही उत्तर होगा। 16 नंबर में एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, 283 ए नंबर इसका भी सही उत्तर होगा। एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं आयन में वह 10 होंगे, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक संयोगिता वाले तत्व होते हैं, संयोगिता यानी कि वैलेंसी, तो वन वैलेंसी यानी हाइड्रोजन कह सकते हैं, तो हाइड्रोजन सोडियम ये सब वन वैलेंसी वाले हैं, तो वो कैसे तत्व होते हैं, कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो सदैव अधातु होते हैं, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है, तो उसका नाम जे टॉमसन, ओके। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा, तो इसका जो भार होगा परमाणु का वह 4 होगा, कितना होगा 4। अब चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रश्न है, ये पार्ट बी है, ये यहाँ पे 10th लेवल के जितने क्वेश्चंस थे आपके 10th के वो हैं। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इनमें से आप देख सकते हैं डी नंबर होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से अभिक्रिया एक उदाहरण है, 4H3 गैस है जो कि प्लस 5O2 जो कि ये भी गैस है, आप समझ रहे हैं, 4NO एंड प्लस में 6H2O, ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न करने वाला मतलब उष्मा को उत्पन्न करता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह उष्माक्षेपी, यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले पेज पे, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है, ठीक है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी प्रक्रम है, तो जल का वाष्पीकरण, ठीक है, जल का वाष्पीकरण जो होगा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है, तो जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाएगा तो एक लवण का निर्माण होता है, ठीक है, डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है, तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण नहीं होता, क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं होता है। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश कुछ अम्ल की बूंदी गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उसे हाथ धोना होगा, ये तो पहली स्टेप हो जाएगा, पहला प्रोसेस। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप जानते हैं उसका बिलियन, उसका सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका सी नंबर उत्तर सही है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि कैसे क्या सामान्य लवण रसोई में उपयोग होने वाला एक जो अतिरिक्त उसके निर्माण में कच्चे माल का किया जाता है, उसका उपयोग
मतलब जब हम रसोई में करते हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, काला नमक, मुझे सुना। तो काला नमक यानी कि इट इज़ नोन एज साधा नमक आल्सो, यानी कि काला नमक का यूज यहाँ पे होता है। निम्न में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? नींबू का रस। यहाँ पे सब टिक लगे हुए हैं। आयरन व भाप तथा भाप के लंबे समय तथा यहाँ पे इसका जो मतलब आप पढ़े होंगे टेंथ में, आयरन यानी कि अफी और भाप के लंबे समय यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं ऑटो। तो उन लोगों और आयरन का जब हम लोग रिएक्शन करते थे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट पे निकल के आता था ऑक्साइड जो प्राप्त होता था वो क्या ऑक्साइड प्राप्त होता था, उसी का है। बहुत आसान है। 32 क्वेश्चन है, अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है, यानी कंसनट्रेटेड एसिड किस आयन को उत्पन्न करेगा, ऑप्टन करेगा, तो एच प्लस आयन को। साबुन के अणु में होता है, जल विरागी शेष तथा विरागी पूंछ, यानी कि हाइड्रोफोबिक और यहाँ पे इंग्लिश से इतना ही। सी नंबर करेक्ट आंसर। 34 नाइट्रोजन के अणु में कितने बंध होते हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर इन नाइट्रोजन एटम, तो 3। ओके, ऐसे अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होते हैं को कहते हैं, तो एक को एल्केन, दो को एल्कीन और तीन को एल्काइन कहते हैं। 36 नंबर में है, पेंटेन C5H12 के अणु सूत्र में कितने बंध हैं, तो 12 सहसंयोजक बंध, यानी कि 12H12 जैसे आप देख ही रहे होंगे उसका सहसंयोजक बंध होगा यहाँ पे। मंडली अवर्त नियम के अनुसार अवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे, तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट करके। और आधुनिक अवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-2-8 है ना, 2-8 युक्त तत्व किस समूह में है, तो ये क्योंकि इनकी बैलेंस 0 होती है तो समूह 18 में होंगे। नियॉन गैसें जो हमारी होती हैं, नियॉन इस प्रकार की गैसें इसमें आती हैं। अब बढ़ते हैं आवर्त सारणी के, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है, तो घटता है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बकमिंस्टर फुल रेंज एक स्वरूप है कार्बन का, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थैंक यू, आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो आई हुई थी कमेंट्स पे, तो मैंने आंसर बता दिया जैसा मेरे को मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा ये आंसर है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।